टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। क्या मसला है? मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मेरा नाम कुलसूम है, ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरे सास ससुर हैं। इनका बेटा उस्मान, जो शरई तौर पे अब मेरा शौहर है। अब शौहर है? हाँ हाँ जी। कुछ साल पहले जब मैं अपनी दोस्त के घर पे गई, वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। उसके बाद उनके अम्मी मेरे घर पर आई रिश्ता लेकर, मुझे देखा, सब कुछ करा। उसके बाद रिश्ता लेकर आने के बाद मेरे माँ बाप से मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद हमारे चंद माह के अंदर ही निकाह हो गया। निकाह करने के बाद एक साल का अरसा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा, कि मैं बहुत खुशहाल। अच्छा तो यूँ गुजरा ना कि आप अपने माँ बाप के पास रह रही थी? नहीं, वो अपने माँ बाप के पास रह रहा था। मुझे बहुत खुश रख रहे थे। कैसे रख रहे थे? मैं उनसे फोन पे, टेलीफोन पे, मेरा उनसे टेलीफोन पे खुश रख रहा था। अच्छा, अच्छा। रापता था, मेरे घर आना जाना तो था। मैं भी रखता हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे घर आना जाना था तो मैं बहुत खुश थी उस दौरान। फिर उसके बाद उनकी अम्मी हमारे घर आती जाती थी। एक बार उनकी अम्मी अपने बेटे के साथ मेरे घर पर आई। मेरे घर आने के बाद उन्होंने पैसों का तकाजा कर दिया, आला तालीम के लिए पैसों का तकाजा किया मेरे माँ बाप से। आला तालीम के लिए तकाजा किया। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी देखते हुए उन्हें पैसे दे दिए कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा होगा। पैसे देने के बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी रही। फिर उसके बाद दोबारा वो रुखसती के लिए, जब मेरे माँ बाप ने उनसे कहा कि रुखसती होनी चाहिए अब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर से एक बार, फिर दोबारा एक्शन रिप्ले। पहले वाले पैसे खत्म हो गए, अब नशरे मुकरर, उन्होंने कहा दोबारा जी फिर पैसे चाहिए। उन्होंने अमेरिका जाने का तकाजा कर दिया कि मैं अभी रुखसती नहीं करूँगा, पहले मुझे अमेरिका जाना है अपनी अम्मी के साथ। मेरी जो सास है उनके साथ वो घर आए मेरे, और मेरे माँ बाप से पैसों का तकाजा किया कि मुझे पैसे चाहिए। मेरे माँ बाप ने मेरी आबाओ ज़मीन जो थी, पुश्तीनी ज़मीनें जो थी हम लोगों की, बेच के मेरे माँ बाप ने मेरे लिए उनको पैसे दे दिए कि वो अच्छा है कि बाहर जाएंगे, अच्छी जॉब होगी, बंदे का पुत्र बन जाएगा, अच्छी जॉब वगैरह होगी, तो मेरा मुस्तकबिल ज़्यादा अच्छा होगा। और अब जब कुछ महीनों से मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मैंने अपनी सास को फ़ोन किया तो वो मुझसे बोलती है कि वो मुझे तलाक दे के चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, जिस पर कि मेरा ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ है और मेरी कोई बात नहीं हो। वो मुझ पर अब झूठे इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे छोड़ के चले गए। ख्वाजा साहब खुद बताया, अगर मेरी डिवोर्स हो जाती तो मैं उनसे कोई ये तो बेटा अब आपका शौहर है, मैं कुछ नहीं कहता, ये तो बहुत ऊंचा नौसरबाज है। मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ, वो तलाक कैसे दे के जा सकते, ना मुझे पता ना मेरे माँ बाप को पता। वो मुझे फोन करके बता रही है कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है। अपनी अम्मी को बता के चला गया कि मैंने तलाक दे दी है, कि अब तो दूसरी घेरो, उसको लाइसेंस दे गया ना। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखा, ना कोई चेंज कर दिया। मैडम आपने सुनी कहानी साहबजादे का? आपको इजाजत है कि मैं बोलूं? जी आप ही की बारी है। देखें सर, ये जो मेरा बच्चा था, हाँ, हमारा हैदराबाद में इनका घर है और हम कराची में रहते हैं सर। अच्छा। आना जाना था, दरअसल मेरी नंद का घर था हैदराबाद में। अच्छा, सही है। मेरी नंद की जो बेटी थी वो इसकी सहेली थी। अब भाई आजकल के बच्चों को तो आपको पता ही है, फॉरन अफेयर सेट कर दिया जी, है? फौरन जी। हाँ। मैं इतना कहती हूँ कि देखो ये ना मुझे खानदान पसंद आया, हम वेल एजुकेटेड लोग, ये आप देख लीजिए फैमिली, ना पढ़ी ना लिखी ना कोई सलीका मंदी, अपने खर्चे पे पढ़ा रहे हैं आपको, है? है सर, ये इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, कौन सा, मेरा बच्चा तो स्कॉलरशिप पे गया। अच्छा, उसको स्कॉलरशिप भी पैसे ले गया। अब सर ये तो इल्जाम लगा रहे हैं, कहाँ से पैसे लेके गया ये सरासर बच्ची झूठ बोल रही है। ठीक है, हमारा बच्चा गया स्कॉलरशिप पे, पढ़ाई शुरू की, सही है, अब वो एक आला मुकाम पे पहुंच गया। अब हम लोगों की फ़ोन पे बातचीत होती थी बच्चे से अपने, एक दिन मैंने पूछा कि ज़ाहिर है अब अंडरस्टैंडिंग, हाँ नहीं अंडरस्टैंडिंग है ना मियाँ बीवी की, तो अब तो हम तो बीच में नहीं आएंगे ना सर, भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वाह, सही है ना। तो सर फिर इसके बाद हमने पूछा कि बेटा क्या हाल है बच्ची के, क्योंकि ज़्यादा तो मैं बात करती नहीं हूँ, जब निकाह हो गया मियाँ बीवी हो गए। तो सर उसने कहा
कि मम्मा कौन सी बहू, मैं तो डिवोर्स कर दी। वाह। तो मैं खुद देखें एज अ औरत मैं शॉक में आ गई। शॉक में आ गई कि ऐसे बैठे बैठे डिवोर्स ये कैसे हो गया। ये अब तो मैं बड़ी अजीब सी बात है। परेशान थी। अब मैं काफी अपने को कंपोज किया पहले। अब मैं कि मैं इस बच्ची को क्या बताऊं कि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। मैं खुद इतनी परेशान हुई। तो इतने में ही बच्ची का अच्छा वैसे रابطہ नहीं रखती थी ये बच्ची। हाँ। इतने अरसे तक ना सलाम ना दुआ कि भाई सास है खैरियत ही पूछ ले बंदा। ये तो बड़ा जरूरी है। यही तो है ना। नहीं बहू नहीं पूछती। हाँ। सर यही तो मसला कि शुक्र करती है कि सास का फोन नहीं। सर निकाह से पहले ये बच्ची निकाह से पहले सब कुछ करती है। नहीं इतनी केयर। और आप देखे हम लोग का तो स्टाइल इम्पोर्टेड चीज है। मम्मा ये वाली चीज पसंद है मुझे। अच्छा। ये लेके आइएगा मम्मा ये गिफ्ट चाहिए मम्मा ये मुझे इस तरह के शूज चाहिए इम्पोर्टेड चाहिए। और मैं खुशी खुशी लेके जाती। हालांकि ये मेरी पसंद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी ये बच्ची। बट ये कि फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चे आपने कहा इम्पोर्टेड चीजें पहन के सही हो जाएगी। हाँ थोड़ी सी हमारे बराबरी में तो आएगी ना। हाँ, हाँ, हाँ। स्टैंडर्ड भी तो होता है ना कुछ। स्टैंडर्ड भी रखना होता है। जी सर बड़ा जरूरी है। हाँ जी तो बस ये हुआ सर। अब आप बताइए। अब ये कह रही है कि मैं उनकी बेगम हूँ तो भाई कहाँ से बेगम। ये भी थोड़ा मसला है ना। आपका बेटा भी सेल्फ स्टार्ट है ना। खुद ही तलाक दे गया खुद ही शादी कर ली। दरअसल सर बात सुनिए वो जॉब कर रहा था कुछ अरसे से वाकई वो हमारे रबते में भी नहीं है। तो आप बताइए। अब ये कह रही है कि फ़ोन नंबर दो या कुछ को। अब मैं कहाँ से फ़ोन नंबर बताइए आप खुद बताएं मुझे कहाँ से मैं इनको फ़ोन नंबर दे दूँ। अच्छा नंबर आपके पास भी नहीं। नंबर हमारे पास भी नहीं है। वो व्हाट्सएप करता है किस पे करता है। जी व्हाट्सएप पे ही करता था लेकिन उसको वो कह रहा था मम्मा मुझे किसी और सिटी जाना है तो अच्छा, मैं आपको नंबर सेंड करूंगा पर अच्छा, उसके बाद से उसके पास डाटा नहीं होता। हाँ डाटा बंद कर देता है सर। उसके बाद से नहीं उसका कोई भी रابطہ है हमसे। हाँ बेटा देखो ये कैसा बंदा है तुम्हारे से पैसे ले गया और डाटा भी नहीं लेता है। सर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं ये अपने बेटे को सेव कर रही हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। अल्लाह ना करे जी माशाल्लाह आपकी बेटी रुखसती नहीं हुई आपके घर में है आपके सीने से लगी हुई है और शुक्र है अल्लाह ताला का। और अगर खुदा ना खास्ता रुखसती हो जाती और वो बंदा यही निकलता जो अभी निकला है तो वो तो बिल्कुल ही तबाही हो जाती। अभी बेटा कुछ भी नहीं बिगड़ा समझे ना। सिर्फ पैसे गए हैं तो पैसे आपके अब्बा दोबारा कमा लेंगे। अच्छा इंशाल्लाह तो अब देखिए मैं आपके इस केस के हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज भी देता हूँ। चूँकि हमारा रोज़ का काम है अदालत में तो इस तरह के बहुत केसेस आ रहे हैं। ये लालची लोग बेटियों के माँ बाप को ट्रैप करते हैं उसमें उनकी माएँ भी साथ शामिल होती हैं। और उनसे अभी मैंने अभी एक केस किया है उसमें क्या है कि एक बंदा बाकायदा वो किसी कॉलेज में लेक्चरर भी था एक कुंवारी लड़की के साथ उसने कुंवारा बन के शादी की और उसकी माँ ने उन्होंने जहेज दिया 42 कार्टन 3 सेट सोने के सारे। उसकी माँ ने सारा सोना उस लड़की से उसी रात लेके रख लिया सारा उसका जहेज ले लिया। उसके बाद उस बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो एक दिन वो बच्ची घर में सफाई कर रही थी उसे एक फ़ोटो मिल गई। उसने पूछा नौकरानी से कि ये फ़ोटो किसकी है। उसने कहा ये साहब की पहली बीवी है। उन्हें कहा हैं साहब की पहले भी शादी है। पता चला कि उसकी तीसरी शादी थी और उसकी माँ हर दफ़ा उसको कुंवारा करके शादी किसी बड़े घराने में करते हैं। वो पढ़ा लिखा है शक्ल भी अच्छी है और कहीं लेक्चरर है और वो शादियाँ करते हैं बच्चियों का जेवर खा जाते हैं। और उसकी FIR अब कट गई है। बच्चियों का जेवर खा जाते हैं पूरा उनका जहेज रख लेते हैं। और अभी भी उसने कोई अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जिस पे वो और बेचारी कुंवारी लड़कियों को घेर रहा है और वो शादी के लिए। ये बाकायदा बेटा ये बिजनेस बना हुआ है। आप लोग मतलब मैं इस फोरम से तमाम लोगों को जो हमारे बहन भाई हैं सादा लो देखें मैं एक बात बता दूं सारे सुन लें। बच्ची घर में बैठी हुई बोझ नहीं होती वो आपकी अपनी बच्ची होती है। आप उनको बोझ मत समझें। ये जो आप ज़बरदस्ती इस तरह उल्टे पुल्टे लोगों के साथ शादी करते हैं फिर वो 2 हफ्ते बाद वापस आ जाती है अब वो बोझ होती है। तो खुदा के लिए इस तरह की शादियां मत करें। ठोक बजा के शादी करें कुछ नहीं होता। अगर उम्र बढ़ रही है कोई बात नहीं तालीम हासिल करेगी तो उम्र बढ़ेगी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप जो है ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज दिया है इस केस के हवाले से। अगर से इसका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ अपना फ़र्ज समझता हूँ। अभी एक वक्फ़ा लेते हैं बेटा वक्फे के बाद फिर दोबारा आपका केस टेकअप करते हैं।
वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी और ये जो आपके साथ हुआ है ये बाकायदा वारदात हुई है जी। आप तो सिंपल लोग हैं, घरेलू लोग हैं, तो आप यही समझ रहे हैं कि ये कोई हादसा हो गया। ऐसा नहीं है, ये हम चूँकि कोर्ट कचहरी के लोग हैं, हमें ये सारी बातें पता हैं। ये आपके साथ चीटिंग हुई है, ये प्रोफेशनल चीटर हैं जो जहेज़ खा जाते हैं बच्चियों का। इनकी माएँ लड़कियों से जेवर लेके खा जाती हैं और बच्चियां फिर अपने मेके में आके रुलती रहती हैं और वो एक दाग लगा के अपने सीने पे आ जाती हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का कि आपकी बच्ची की रुखसती नहीं हुई, आप लोग बच गए हैं, मसला वरना बहुत गंभीर होता। तो ये लोग उन्हीं के उसी तरह के लोगों में से हैं सर, ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखिए मैं तो इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आपने जो कहानी बताई है जी जी, इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी इज्जत भी गई। लेकिन मैंने जो वाकया सुनाया ना आपको, ये बिल्कुल सही वाकया है। हमारा बच्चा पढ़ने के लिए ये इल्जाम लगा रहा ना अदालत ने, मैंने जो बताया ना अभी, ये बाजार इल्जाम लगा रही है सर, आप लूटने वालों में से हैं, आपने मेरी बच्ची का मुस्तकबिल वो कर दिया। अच्छा तो आप इतने रईस आजम थे कि हम तो उसकी कहीं शादी भी नहीं कर सकते, निकाह पे निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी बेटी को तलाक हो गई है। और आप इतनी शराफत का वो बता रही है कि मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम एजुकेटेड है। किस बात के एजुकेटेड है आप कि आपने किसी की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी? और आप जो हम पे इल्जाम लगा रही हैं कि मतलब ये कि इतने पैसे लिए, आप आपके हुलियों से नहीं लग रहा कि आप पैसे देने वाले लोग हैं? आप जब भी तो आपने हुलियों से निकाह कर लिया था, आप नहीं लग रहा है कि ऐसे ही लोग तो लुटते हैं, सादा लोग जी। जब भी तो सर ये वाले तो सर ये हमें अदालत पे लेके आ गई है हमारे बेटे। देखिए अभी हम ना हमारे इस फैमिली से कोई ताल्लुक है, हम मतलब मेरे बेटे ने डिवोर्स दे चुका है, तो अब हमारा क्या ताल्लुक रह गया इनसे? कोई ताल्लुक नहीं रहा। कौन सा डिवोर्स, कौन से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई किसी के सामने कहा हो, कोई हक में अदा किया हो, बच्ची को फोन पे बोला हो? हमें हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई जब आपने बताया। अच्छा सुने सुने मैं आपको भी बता दूं सब लोगों को, ये जो होता है ना डिवोर्स हो गई, डिवोर्स का बाकायदा कानून है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7 के तहत, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को बाकायदा से नोटिस देना पड़ता है, डिवोर्स डीड की कॉपी लगा के देनी पड़ती है, उसके बाद वो चेयरमैन साहब नोटिस इशू करते हैं पार्टीज़ को और 90 डेज तक, उसका नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल, वो आर्बिट्रेशन की कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी में सुलह हो जाए। अगर ये कोई गुस्से में डिवोर्स हो गई है या कोई गलती से हो गई है तो वो डिवोर्स वापस करवा के दोबारा मियाँ बीवी को मिला देते हैं। तो ये कह देना कि डिवोर्स हो गई है ये बिल्कुल गलत है। जब तक नोटिस नहीं होता, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती डिवोर्स की, तो डिवोर्स नहीं होती। अगरचे बहुत सी रूलिंग्स हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी भी हैं, वो कहते हैं कि कुछ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिवोर्स की इंटीमेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है यूनियन काउंसिल को। और अगर किसी ने यूनियन काउंसिल को डिवोर्स की नोटिस नहीं दिया तो मेरी नज़र में वो डिवोर्स नहीं हुई है। आपके बेटे ने अगर डिवोर्स दे दिया है तो आप उसको, आप तो कह रहे हैं आपके पास उसका नंबर भी नहीं है जी सर, कुछ अरसे से वो उसका नंबर नहीं है हमारे पास। तो जैसे नंबर मिले तो आप उसको कहें कि बेटा अगर आपने डिवोर्स दे दिया है तो आप बिस्मिल्लाह करके यूनियन काउंसिल को लेटर दे दें ताकि एक बच्ची बैठी हुई है वो आज़ाद हो जाए, उसकी दूसरी जगह शादी कर दें जी सर। ये अच्छा उसमें डिवोर्स में इद्दत पीरियड होता है वो भी ज़रूरी है, तो उसके बाद बच्ची का निकाह हो सकता है दोबारा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि डिवोर्स हो गई है तो ऐसे कोई जादू से डिवोर्स नहीं होती, ये कोई दम थोड़ी है जो कर दिया था अभी सर। ऐसे ही हमारे पास इन्होंने कह दिया हो गई वो बात, कहानी खत्म हो गई, तलाक तलाक वाली। इसी तरह हमने तो सुना था और ये देखा था, तो हम वही समझे कि भाई इसी तरह हो गई डिवोर्स। अब ये आप लॉ बता नहीं, आप भी माँ है ना, आपने कैसे सुन लिया? आपको किसी की बच्ची का एहसास नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? कैसे वो डिवोर्स दे गया? ना आपको इतला ना हमें इतला, ये कैसे है? ना शरई ना कानूनी किसी तरह भी नहीं है ये, तो आपने कैसे कर लिया, ये कैसे यकीन कर लिया कि ये हो गया? हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि हुआ क्या है ये सर। हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ा ना, जब बच्चे ने कह दिया कि डिवोर्स हो गई तो डिवोर्स। आपने अभी बताया ना तलाक 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 चाहिए सर, यही होता है। मैंने वो जो अखबारों में कॉलम आता है ना उसमें वो जो पूछते हैं लोग वहाँ जो भी जवाब देने वाले होते हैं उनसे ये पता नहीं मसाइल, तो उसमें उसने बंदे ने लिखा हुआ था कि मेरा जो तोता है ना वो उसने अपनी तोती को 3 दफ़ा तलाक 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 कह दिया और अब उसी पिंजरे में दोनों रह रहे हैं। तो उसने मौलवी साहब से पूछा कि भाई फतवा दें और बताएं कि अब इनके जो अंडे हो रहे हैं तो उनकी कानूनी हैसियत क्या है। तो बहरहाल मौलवी साहब ने बड़े गुस्से से जवाब दिया कि शरई मामलात में मजाक करना बहुत नाजायज़ है और उनको बहुत डांटा कि इस तरह के खत मत लिखें। तो देखें ये तलाक 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 तोता भी बोल रहा है।
सर देखें, ये हम ये शिकें तो आम हम लोगों को तो नहीं पता, हम तो यही समझते बस हो गए तला। तो सर हमने भी यकीन कर लिया कि बस हो गए तला। अब हमें थोड़ी इतना आइडिया था कि भाई हम इतने एजुकेटेड तो है लेकिन हम कानूनी हिसाब से इतना हमें नहीं आइडिया है सर। बड़े साहब आप भी तो कुछ बोले। दो तीन महीने से मेरे बेटे से मेरी कोई बात नहीं हो रही, ना उसका फ़ोन नंबर लग रहा है, ना किसी दोस्त का आ रहा है, ना जा रहा है। हम परेशान हैं कि हमारा बेटा यूएसए में जिंदा भी है या नहीं, हम इस टेंशन में। ऊपर से ये सब इल्ज़ाम लगाने के हमने पैसे दिए हैं, हमने आला तालीम के लिए दिए, हमने मैटरनिटी होम के लिए उसके पैसे दिए थे, हमने यूनिवर्सिटी के लिए, हर जगह ये पैसे दे रहे हैं, बांट रहे हैं, और थोड़ी देर में कह देंगे मैंने आपको भी कर्जा दिया है। वो बात वो है ना कि वो तो घूम घाम के मतलब बात पैसों पर आ रही है ना कि आपका इनका देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कोई और ताल्लुक तो था ही नहीं, सिर्फ पैसों ही का ताल्लुक है। सर इनसे पूछे, उन्होंने पैसे मुझे दिए, आपको तो नहीं दिए, वो कह रहे हैं लड़के ने लिए हैं। तो सर लड़के ने लिए तो मुझे क्यों ना आया अदालत में? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये अपने बच्चों के साथ आए पूरी फैमिली। अच्छा मेरे घर पे ठीक है, ये कुछ परेशान से थे, कुछ सोच रहे थे। मैंने पूछा खुर्शीद भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहने लगे मैं एक मकान खरीद रहा हूँ, उसमें मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कितने पैसे चाहिए आपको? ये वो तालीम के पैसों के अलावा थे? जी उसके अलावा थे। वो अच्छा तो, वो तो बेटा अपनी माँ के साथ आया था। अच्छा वो माँ के साथ आया, वो तो बेटा अमेरिका के पैसे अमेरिका के लिए भी लेने आया था। मसले इनका काम ही यही था, आए दिन घर पे आना, खाना पीना ये वो सब, इनका यही काम है पैसे ले जाना, पैसे ले जाना। कभी बेटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये साहब आ गए खुर्शीद साहब, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरे समझी है, ये पूछूंगा इनसे कि क्या परेशानी है, क्या बात है। मैं मकान खरीद रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए भी किराए पे रहता हूँ, मकान खरीद रहा हूँ मैं, मुझे मकान के लिए पैसे शॉर्ट है। मैंने लगा कितने पैसे शॉर्ट है खुर्शीद भाई? मैंने लगा कम से कम 35 लाख कम पड़ रहा है। 35 लाख कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। मैंने बोला मैं दे देता हूँ आपको जरूरत, ये भी मेरे जहन में मैंने अपने यही सोचा ना कि मेरे दामाद का घर बन रहा है, मेरे दामाद के लिए मुझसे के पैसे मांग रहे हैं, मेरी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए, जहाँ मेरी बच्ची जाएगी तो वो घर होगा, वो घर होगा। अभी किराए का कोई मुस्तकबिल नहीं है किराए के घर का, बिल्कुल सही है। तो मैंने ये सोच के इनको 35 लाख रुपये दे दिए। अब ये इनका ईमान, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब मैं इनसे तकाजा कर रहा हूँ कि भाई मुझे आप पैसे दें, तो कि कौन से पैसे, कौन से पैसे, कहाँ के पैसे, मैंने तो नहीं लिया आपसे। कितनी मुझसे कि झूठी बात है ये, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसे इनको दे रहे हैं, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये झूठ। वो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए पैसे लेते जा रहे हैं जी? नहीं, मसला मुस्तकबिल है, ये फ्रॉड है। अच्छा ये फ्रॉड है, इनका काम ही यही है। अच्छा इनका काम ही यही है। कुछ दिनों के बाद मैं फिर इनके घर गया, देखा तो वो घर है ही नहीं, खाली। अच्छा घर ही गायब, खाली कर गए वो घर, माशाल्लाह। मेहल्ले वालों से पूछा, कहने लगे इनका काम ही यही है। अच्छा कभी पैसे घेर घार के 2-4 साल कहीं रहते हैं, 1 साल यहीं रहते हैं और पैसे घेर चले जाते हैं। चले एक वक्फा लेते हैं, बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने, इस तरह का भी एक केस मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बेटा बात सुनो, आपसे तो मैंने कोई बातें ही नहीं की, आप मुझे ये थोड़ा बताओ कि ये जब आपकी उससे दोस्ती हुई शादी के बाद, और जब नहीं शादी से पहले जब रुखसती नहीं हुई थी, yes, तो आप कह रही हैं टेलीफोन पे बहुत रब्ता रखता था जी। तो क्या बोल बचन देता था जरा बताओ? सर टेलीफोन पे नहीं सर, रोज आना, मम्मा मुझे जाना है हैदराबाद। अरे भाई क्या हो रहा है, डिनर हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं जी। आप झूठ बोल रही है, आपका फोन तक नहीं था सर इस बच्चे की पढ़ाई, बिल्कुल जब से इस बच्चे से पढ़ने से लिखने से हर चीज से बेगाना हो गया। क्या भाई हैदराबाद क्या हो रहा है, हर 2 दिन बाद हैदराबाद? अरे पैसे दे दिए, हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा, रोज शॉपिंग हो रही है, आपके पैसे जा रहे थे, हमारे पैसे नहीं गए। थोड़ी लोन इन्होंने पैसे दिए, मेरे बेटे को भी पैसे दे रहे हैं, मकान ही छोड़ के चले गए। मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मैं बेचता हूँ और खरीदता हूँ। क्या गवाही दे रहे हैं, मकान बेचना सर किस कानून के तहत? ये पहले अपनी माँ को लेके आता है बेटा रिश्ते के लिए,
उन वहाँ पे पहले अच्छा घेरते गाते हैं ये मैंने अपनी आबाई जमीन बेची है अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए मैंने बेची है कि इसका मुस्तकबिल बनेगा इसका मुस्तकबिल बनेगा जज साहब के गुलाम है किस कानून के तहत ये क्या बेगम के गुलाम है क्या बताया आपने बेगम के गुलाम अंकल जो है बेगम के गुलाम है ये आपके गुलाम है सर ये देखिए सब लोग बोल रहे हैं कोई सुनिए बारी बारी आपकी स्मार्टनेस से हम इंटरेस्ट है लेकिन थोड़ी हैंड ब्रेक लगाए आप अच्छा चल सर मेरी पहले अपनी सास की स्मार्टनेस की तारीफ करो ना की नहीं वो खुद ही कर रही है ये हमारे पैसे से सब कुछ है ये कपड़े ये सब सारी चीजें हमने ली अच्छा आपका खर्चा उधर लग रहा है जी उधर ही यार आपके घर पे तो बाल लिए पैसे इनका काम ही यही है अच्छा से लेके जाना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग यार इसके लेके जाना सर मेरी ड्रेसिंग जैसी होगी ये काम सर इनके सर पे तो बाल लिए पैसे कहां से आए सर फौरन ये पैसे ही वैसे सर वैसे ही पैसे आए सर पे बाल लिए जब पैसे आए मेहनत की आप लोग दूसरों के चींटे आज की तरह दुनिया का हर अमीर आदमी गंजा जज साहब आप भी गंजे हैं आप तो बाल ही नहीं है देखे क्या बात है आजकल तो बाल लग जाते हैं इश्तेहार आता है सिर्फ इल्जाम कशी कर रहे हैं इनकी एक भांजी है जो अमेरिका में रहती है इन्होंने उनको वहाँ भेज दिया ताकि ये उससे शादी करवा सके मुझे छुड़वा के इनको मैं शुरू से ही नहीं पसंद थी वहाँ तो लड़कियाँ अंदर करवा देती है मियाँ को पता है आपको जब ये मुझे नंबर नहीं दे रही ना मेरा उनसे कांटेक्ट हो रहा है ये झूठ बोल रही है सिर्फ गुराग को गुराग को सामान उठा के ना वो बालकनी से भेजती है नीचे ये खुद कह रही है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं नीचे फेंकती हैं पता है वहाँ जब वो मेमे निकालती है ना घर से साहब मेरे को तो शक है कि वो गए ही नहीं है अमरीका इन्होंने उसको छुपाया हुआ है उसको ये कारोबार ये चल रहा है इनका इनका कारोबार ये चल रहा है मेरे को यकीन है खुर्शीद भाई लेकिन फराड़ी है ये आप ये चेक करेंगे उन्होंने में तो नहीं बैठा हुआ कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना सर उन्होंने हाथ से भेजा है वो दो बार आए यहीं पर ही इनसे मिलकर गए और ये हमसे बोल रहे हैं झूठ की नहीं आए वो जब से गए जब से मुलाकात ही नहीं हुई इनकी झूठ बोल रही है लोग सर ये यूएसए उन्होंने अपने हाथ से भेजा है उसको एयरपोर्ट पर जाकर भाई तुम्हारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ना जहाज जहाज पे खुद चढ़ा है जहाज पर उन्होंने खुद चढ़ाया है मिलेगा तो पैसे वापस देने पड़ेंगे उसके लिए तो दो तीन महीने से हमारी बात नहीं हो रही हम फुल टेंशन में झूठ बोल रहे हैं ये सर हम इतने परेशान हैं अच्छा यूएसए तुमने अपने पैसे दिए जहाज पे नहीं चलाए तुमने उसको बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये सर ये यूएसए ने अपने हाथ से भेजा आप खुद ही बताएं स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल की जा सकती है 30% होता है उस पर आला तालीम हासिल की जा सकती है एडमिशन हो सकता है कॉलेज के अंदर सर मेहनत उसके लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए होता है पैसा मैंने दिया वो पैसा मैंने दिया हमने पढ़ाया दिया है सारा पैसा आपका पैसा खराब हुआ है बच्ची की जिंदगी बिल्कुल सही है आप खामखा उसके मुंह पे ऐसी बातें ना करें
उसका दिल छोटा हो जाएगा। जज साहब तो फिर तलाक नहीं हुई ना, हम तो बीच में फंसे हुए समझदार में फंसे हुए। अगर हम इसको शादी करना चाहें तो किस तरह करेंगे जब तक तलाक नहीं होगी? नहीं वो तो अगर इसके वेयर अबाउट्स पता नहीं है तो खुला का केस दाखिल कर दे नॉन मेंटेनेंस के ऊपर कि साल हो गया बच्ची को खर्चा ही नहीं दिया। जो भी जज होगा पहली पेशी पे इंशाल्लाह तलाक दे देगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं जी जी कि इनके खिलाफ हम मैं जाऊंगा तहकीकात एफआईआर करें। पहले फ्रॉडी आदमियों को बताया ना, फ्रॉडी भी है। नहीं नहीं वो जो शादियां क्यों करे, जो दूसरी बीवी है उसने एफआईआर करवा दिया उसके ऊपर। अभी वो खैर उसने पुलिस को पैसे वैसे दे के सी क्लास कराई है, लेकिन वो अभी हाईकोर्ट में उसकी अपील हो गई है सी क्लास के अगेंस्ट। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ सर, मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर करना है। जब दुआ जहरा को पुलिस बाजियाब कर सकती है, मेरे बेटे को भी कर सकती है। ले सर ये इल्जाम लगा, ठीक है ओके आप जाएं, आप जाएं। मैं तो नहीं रोक रहा, बिल्कुल हम तो जाएंगे, इनका बेटा मिसिंग पर्सन में आ गया है। बिल्कुल अब वो एटीसी वालों से कहें इसको रिकवर करें। अगर हम झूठे होते पैसे वसूल करने आए हो, सही बात है, पैसे वसूल करने आए खुद ही कह रहे हैं कि पैसे वसूल करने आए, पैसे ठगने आए। अमेरिका सिर्फ अमेरिका नजर आ रहा था, और पैसे ठगने आए, पैसे वसूल करने नहीं है, पैसे इनका है नहीं। वो दे चले वो छोड़ तो बेटे दे दो, मुझे क्यों मर रहा है? आपको देने चाहिए वो तो। आपने क्यों दिया भाई, आपके माँ बाप ने क्यों दिए मेरे बेटे को पैसे? मेरी वजह से, मैंने मैं उसकी बीवी हूँ, मेरी वजह से दी। बीवी को देना तो भुगते भी खुद अदा करता, उसके माँ बाप अदा नहीं करते। हक मेरे को आने की और अदा करता है सर, पैसे अपनी बेटी के या इसी के लिए देने, पैसे लेने, पैसे लेने में का भाई। आप उनके साथ आइए जब तलाक देता क्या नहीं। जज साहब जब हमारे माशरे में शादी होती है, दो खानदानों का मिलाप होता है, आना जाना होता है, मैं आती जाहिर है अपनी समधन के पास बैठती। अब इन ससुर और दामाद में क्या खुसुर पुसुर हो रही है मुझे क्या पता, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं। हम लोग तो आज तो यही है कि लड़के को काबू करो, माँ बाप को साइड लगाओ। सर हमारा बेटा शुक्र है आपको बोले हैं, कुछ तो कहिए। मेरा बेटा जो है वो इनके घर जाता था हैदराबाद, सिर्फ सास के कमरे में और बीवी के पास खुशबूदार क्या हो रही है, हम तो बाहर बैठे थे हमें पता ही नहीं। सास के कमरे में और बीवी के पास, हाँ अच्छा दोनों मतलब तीनों एक साथ, ये भी साथ मेरे कमरे में क्यों आएगा? बीवी के साथ बातचीत करता था अंकल, कमरा बदल दे थोड़ा, सास के कमरे से बाहर निकाल ले, दूसरे के बाद फिर चलाते हैं। माशाल्लाह आप बड़े सादा शरीफ लोग लग रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपके जहन में इस मसले का क्या हल आया? हम तो शुरू से बेवकूफ़ बन रही है, सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद करे और अभी तक बेवकूफ ही बना। फिर वही कह रही हो बर्बाद, मैं मना कर रहा हूँ बार बार बार, कोई जिंदगी तुम्हारी सोचे कि एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या जिंदगी होती है? तलाक याफ्ता नहीं है, तलाक पता नहीं कैसे ऐसे थोड़ी हो जाती है, रुख्सती नहीं हुई है तुम्हारी, कुछ भी हो लेकिन लोग नहीं बहुत सारी बातें बनाते हैं, बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं लोगों के, तो लोगों के ताने लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग ताने देने शुरू कर देते हैं। आप बताएं, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं क्या क्या फैसला दूं, हम क्या करें? मुझे हमें तो ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, चले समझे ना, पहले फैसला तो मैंने देना है ना, आपसे मशवरा ले रहा था। जज साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और सर बात कह रहे हैं कि आप बने बनाए बेवकूफ हैं, अंकल बड़े चैंपियन है, वो कह रहे हैं आप बने बनाए बेवकूफ, वो तो मतलब परफेक्ट है ना, बिल्कुल सर ये देखे बच्चों की जिंदगी के लिए, बच्चों के एक्सपीरियंस है, अगर हमने इनका साथ दिया है तो हम बेवकूफ है क्या?
वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, पता चलेगा ना, मैं बताता हूं, पिक्चर पड़ेंगे ना सब पता लग जाएगा, देखो देखेंगे ना इनके खिलाफ ऐसे यार उसने गद्दारी कर रही है उसमें कुछ नहीं लेंगे जज साहब, सर आपके पीने मुझे 50,000 रुपए लिए हैं, आप भी पागल भी हैं, ये भी तो यही कर रहे हैं, ये किसी को मांग मुझसे रहे और आप हम में क्या कर रही हैं सर, अगर हम फ्रॉड होते तो हम यहाँ आज यहाँ नहीं बैठे होते, हम कहीं पे भी निकल लेते, आपको जबरदस्ती लाया गया है, आपको जबरदस्ती लाया गया है, जबरदस्ती सुनिए मेरी सुनिए, गलती हो गई बेटे से हमारे, चले हम मानते हैं सर हो गई गलती, चले अब कितनी गलती आऊंगी, अरे हाँ गलती आऊंगी, पैसे पैसे वाले पूछो, हमारा बेटा है तुम तीनों का ग्रुप है, तुम दोनों फरारी हो, आप लोग फरारी हो, सर हमारा बेटा मिस पर्सन है, टेंशन में हम बढ़ गए, अब यही काम है आप लोगों का, इतना पैसा ये भी है कि हमारे पास जमीन है, हमारी जमीन बेच के दिए मेरे जमीन बिकवाने तुम लोगों ने, ये किसी उसमें नहीं होता, आज तक चल चल आपको मैंने ये पैसे ना देने पड़े, जमीन देते हैं कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, इसलिए आपने ऐसा किया है, आपने हमारी जमीन ले ली, एक आदमी को खाने नहीं खिलाए कभी, तुम 35,000 रुपए दे रहे हो, जब साहब जब साहब जब देंगे 30-35 लाख, क्या बात कर रहे हैं सर, ये 30,000 अगर आप लोगों के पास होता ना, आप लोग किराए पे नहीं रह रहे होते, कौन किराए पे रह रहा है, हमारा तो बिजनेस है, हमारा तो बिजनेस है, हम बेचते हैं, सब कुछ दूसरों का लेते हैं ना, जब भी तो आप इस तरह रह रहे हैं, इसी तरह फ्रॉड क्या होगा, दो मकान है 10 मकान, लालची है आप लोग सारे, क्या होगा मेरे बेटे की 50 शादी है, जिंदगी बर्बाद करते हैं, मैंने अपने बेटे की 50 शादी की है क्या, की होगी हमें क्या पता, क्या पता, काम ही है बेटा, आप दोनों से निजाम तराश हो रही है, इनका बेटा पता लगा के चला गया कि माँ बाप के अच्छा रिटर्न मैंने वाले पैसे दिए, चूना लगा के गया या मिलके सबने आपको चूना लगाया, सर रिटर्न में हो सकता नहीं, हुआ यही है, ये झूठ बोलते हैं, उनका रिश्ता है उससे, रिटर्न में है 100%, आपने पैसे दिए रिटर्न में है, झूठ बोल रहे हैं ये, हम लोगों ने तो ये सोचा था कि हमारे बेटे, बस हम लोगों ने सोचा, आप लोगों ने सोचा, पच्चीस पैसे देने वाले नहीं है किसी को, मुस्तकबिल के लिए ना लिखत पढ़त नहीं होती है, रिटर्न रिटर्न सब आ जाएगी, जब अभी पता लगेगा ना, पढ़ेंगे चित्तर, सब रिटर्न आ जाएगी, सब हो जाएंगे सर, चित्तर आप जैसे फ्रॉडियों के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए, तो लाओ ना हम रोक रहे हैं बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत कर दो, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, फैसला करें, बदतमीजी नहीं है, आप लोगों ने जिंदगी बर्बाद करी सर, मैंने क्या किया, आप लोगों ने करी, हम लोगों ने किया, आप लोग मिले हुए यार, पसंद आपने किया है या मैंने किया था, और बात रह गई, मैंने बता दिया था, खामोश इसलिए है ना कि पैसे लिए हुए, इस वजह से आप लोग, तुमको पसंद किसने किया था, मैंने आपके बेटे ने किया था, तो फिर उससे आप लोग तो वैसे ही राजी नहीं थे ना, फंसा दिया तुमने मेरे बेटे को, आप अंकल टोपी घुमा रहे हैं, ये मेरे बेटे को फंसा दिया, इस पे नहीं बेटे पे डाल दो, बेटे पे डाल, शादी की बात आपने फैसला किया, किसने किया था, चलें घर में कौन आया था, बस खामोश, दिए नहीं है, आप सुन लिए आप दोनों पार्टियों को, आप देखें इसमें ये जो केस है, आप चूंकि सादा लोग हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, पता नहीं आपके साथ बहुत ज्यादती हो गई है, ये असल में फौजदारी केस है, ये कराची में बहुत से ऐसे ग्रोह हैं जो कि अपना बेटा आगे करके और शरीफ लोगों के घरों में जाके रिश्ते ले जाते हैं और वहाँ से फिर उनका पूरा जेवर जहेज खा लेती हैं उनकी माएँ और वो लड़का अगले दिन गायब हो जाता है और लड़की को धक्के दे के निकाल देते हैं, इस आपके साथ एग्जैक्टली वही हुआ है, आप यकीन करें मेरे पास ऑफिस में बिल्कुल इसी तरह का केस है, उस आदमी ने तीसरी शादी की है, आप यह है कि वो तीसरी शादी वाली लड़की ने अब FIR करवा दी है, तो वो अब पता नहीं जमानत पे है, तो बात यह है कि ये आपके साथ हुआ है फ्रॉड और ये फ्रॉड का केस है सीधा सीधा और ये फौजदारी केस है, मेरा इसमें फैसला ये है कि आप फौरी तौर पर जो आपके इलाके का थाना है हैदराबाद में, आप वहाँ जाके SSP को दरख्वास्त दें और SHO को दरख्वास्त दें मुकदमा रजिस्टर करने के लिए, फ्रॉड का मुकदमा, और अगर वो रजिस्टर ना करें, आपसे दरख्वास्त वसूल ना करें, हमारे मुल्क में थाने वाले दरख्वास्त लेते नहीं हैं, आप TCS करेंगे और उसी दरख्वास्त की एक कॉपी
SSP कंप्लेंट सेल को आप TCS करेंगे, दोनों TCS से लगा कर आप सुबह वकील को दें, वो 22A के तहत सेशन कोर्ट में दरख्वास्त लगाएगा और सेशन जज साहब FIR काटने का ऑर्डर देंगे और उसमें तीनों को साथ मुलविस करें। ये तीनों मिले हुए हैं, इंशाल्लाह FIR कटेगी और आपका ना सिर्फ पैसे मिलेंगे, इनका बेटा भी बरामद हो जाएगा जो परेशान बैठे हुए हैं। पुलिस ऐसे लाएगी जैसे दुआ जहरा को लाई है ना, इनके बेटे को भी बरामद करके ले आएगी, तो इंशाल्लाह आपके पैसे भी मिल जाएंगे, वो लड़का भी मिल जाएगा। और बेटा दोबारा सुन लो, आपकी कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कोई बात नहीं, फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है, आप बिल्कुल सेट हैं, अपने जहन में ये बात मत डालो, अदालत बर्खास्त होती है।